तो स्वागत है गाइस का एक नए सोलो सर्वाइवल टूर्नामेंट की वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है भाई, बड़े ही खतरनाक मैच जाते हैं ये, तो मजा आएगा। एंड हमारा ना इसमें भाई एम है कैसे भी दो लगातार बैक टू बैक भाई बुया करने हैं, बट एक भी करना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि गाड़ियों का भाई एंड में नंगा नाच देखने को मिलता है। क्या बताऊं भाई, कुछ समझ नहीं आता क्या करे, बट खेलने में मजा आता है और क्या ही इंटेंस भाई मेडी चैलेंज होता है जो कि भाई आपको देखने में मजा आएगा। तो चलो फिर, बुया कर पाए या नहीं मैच के अंदर कर देख लेते हैं। बाकी ये सारे मैच भाई मैं गेम क्लैश ऐप में खेल रहा हूँ, तो आपको भी खेलना हो तो ऐप का लिंक भाई कमेंट में है। तो पहला मैच देख लो भाई, हमारा सुबह का ही है। इन मैचेस में ना भाई व्हीकल ओन रहते हैं जिसकी वजह से भाई एंड में सिर्फ मेडी चैलेंज ही होता है। तो गाड़ी में बैठ के फटाफट से भाई पहले रिसप्लाई से पहली सुपर मेडी, दूसरे रिसप्लाई से भाई दूसरी सुपर मेडी, तीसरे वाले रिसप्लाई से तीसरी और फोर्थ वाले रिसप्लाई से भाई फोर्थ मेडिकेट। भाई जोन में जाके रिसप्लाई लूटने पड़ते हैं, तो इस वाले से भाई पांच मेडिकेट कलेक्ट कर ली थी और अभी लास्ट में ढेरों टोकन कलेक्ट हो गए थे। तो फटाफट से इसमें से जितनी सुपर मेडी निकली भाई वो जो कलेक्ट कर लेता हूँ। अब हो गई भाई जितनी होनी थी मेडी कलेक्ट, और एंड में देखो भाई कितने बंदे बाकी है, मेरे अलावा अभी भी भाई 20 बंदे बचे हुए हैं। एक तो यार व्हीकल ना जो ठुकते रहते हैं उसकी वजह से भाई व्हीकल डैमेज भी होता रहता है। बंदों के भाई व्हीकल बचे तो वो यहीं पे घुमा रहे थे और एक बंदा देखो मेरे साथ ही बैठ जाता है। गाड़ी की हालत मेरी भी अच्छी थी नहीं, तो आगे चल के पता नहीं भाई किसने मेरा व्हीकल ही फोड़ दिया, तो यहाँ से भाई अब निकलना पड़ता है खुले में। हम फटाफट से भाई एक एनर्जाइजर लगा के परमानेंट कवर की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर तक भाई यहीं पे रहता हूँ, आखिरी का जोन ऑलमोस्ट रिंग हो चुका है। भाई मजा आ गया था, यहीं पे थम चुका था, तो अब भाई यहीं पे होल्ड करेंगे। मैं तो भाई यहाँ कवर में आ गया था और आगे बंदों की फाइट हो रही थी जिनमें भाई देखो मैं हाथ साफ कर रहा था और एक बंदे को तो देखो मार भी देता हूँ। बट ऐसा था कि भाई जोन जो है दोबारा श्रिंक होने लग जाता है आखिरी का, तो अब भाई बढ़ना भी पड़ता है आगे। ये मैच भाई इतने खतरनाक होते है, देखो आगे भाई तीन से चार बंदे एकदम से निकले जिनमें से एक को भाई डैमेज तो दिया, एक बंदा लेफ्ट में है और अब भाई देखो टॉप 10 में आ चुका था, केवल भाई 9 ही बंदे रह गए और यहाँ पे भाई लॉन्चर फेंका बट यार किसी को डैमेज कैसे नहीं गया। मैं थोड़ा भाई आगे आ गया था क्योंकि जोन भाई छोटा हो जा रहा है और आगे से एक बंदा आ रहा था। अरे नहीं यार वोली लगा ली और शायद पैक ही कर लिया, और एक बंदा देखा भाई पता नहीं कहाँ जोन के भारी दिखा था, और आगे भी बंदा है तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और दोबारा देखा तो ये तो भाई क्लोज में आ चुका है और यहाँ भाई थोड़ा रुका ही था, ये देखो भाई ये तो डैश ही कर देता है और यहाँ भाई मैंने पैक कर लिया था, बट इस बंदे को देखो भाई ऊपर से चढ़ाता है। क्या है भाई इस बंदे को सर्वाइवल का मैच है भाई, फाइट ही ले रहा है और यहाँ मेरी हेल्थ कम बट थोड़ा सा बचता हूँ और फटाफट से भाई इस तरफ आ जाता हूँ। भाई पैक करते हैं यार, मरना नहीं है, मेरे पास लिटरली भाई 21 सुपर मेडिकेट थी यहाँ पे। एक बारी को लगा था वैसे तो भाई मर जाऊंगा, बट यहाँ पे देखो भाई एक मेडिकेट लग जाती है और चलो भाई बोल लगा लेता हूँ। आगे बंदा है और अब जोन भाई ऑलमोस्ट श्रिंक हो चुका है, 8 बंदे बचे हुए हैं और भाई मेडी चैलेंज जो है सब स्टार्ट कर देते हैं और अब देखते हैं भाई कैसा जाएगा ये मैच। तो यहाँ पे भाई एनर्जाइजर लगा के फटाफट से जितनी भी मेडिकेट थी एक एक करके भाई लगाया जा रहा था, और स्किप नहीं करूंगा, आप खुद ही देखो ये मैच कैसा जाएगा। और देखो टॉप 7 में आ गया था, टॉप 6 में आ चुका था भाई और टॉप 5 में भी एकदम से भाई सारे बंदे मरे और अभी भी भाई 4 बंदे बचे हुए हैं और मेडिकेट यहाँ पे भाई ये बढ़िया था, मेरे पास अच्छी खासी थी। भाई आगे जो बंदा था ना उसकी आवाज आ रही थी भाई चलने की और देखो मेरी तरफ आ ही रहा था, भाई एलिमिनेट ही हो गया। मैं भी भाई इसकी लूट में से मेडी मिल जाए तो थोड़ा इसकी जो है भाई लूट के पास भी आ रहा था और यहाँ पे मेडी मारते देखो भाई इसके पास तो 5 सुपर मेडिकेट है, तो बढ़िया हो गया था यहाँ पे तो यार। तो फटाफट से मेडी मारता रहता हूँ और मेरे अलावा भाई केवल 2 बंदे रह गए हैं, बट भाई थोड़ा ध्यान भी देना था कि भाई वो एकदम से रश ना कर दे। तो यहाँ पे भाई बिना रुके मैं जो एक के बाद एक मेडी लगाए जा रहा था, बंदे भी देखो भाई लिटरली मरने का नाम नहीं ले रहे और मेरे पास 11 मेडी है और देखो एकदम से एक बंदा वॉल खोला बट भाई वॉल लग जाती है यहाँ पे और देखो एकदम से भाई ये 2 बंदे भाई एक साथ एलिमिनेट हुए और ये मैच भाई अपना खतरनाक भैया हो जाता है। सुबह सुबह का भाई पहला ही मैच था और भैया के साथ भाई शुरुआत हो गई थी, मजा ही आ गया भाई, बढ़िया भाई। इस मैच के रिजल्ट का प्रूफ आप भाई देख ही सकते हो। तो नेक्स्ट मैच देख लो भाई हमारा कौन सा वाला है, मेडी भाई कैसे कलेक्ट करता हूँ उसका तो आपको पता ही चल गया होगा, तो एंड से दिखाता हूँ जिसमें आएगा भाई मजा। अब मेरे अलावा भाई अभी भी 24 बंदे बचे हुए हैं। भाई आगे ड्रॉप गिरा था, इसमें से 2 मेडिकेट मिल सकती है, तो बंदे ही बंदे थे और मैं भी उतरा था देखने के लिए, लेकिन भाई अब जा ही रहा था, ये देखो भाई मेरी गाड़ी की क्या हालत कर दी और AWM का शॉट किसने मार दिया, भाई ये AWM वाले बंदों से बड़ा डर लगता है। और आगे चल के जिसका डर था वो ही हुआ, भाई किसी ने यार गाड़ी फोड़ दी मेरी, मुझे तो किसी व्हीकल के नीचे आना नहीं है, तो फटाफट से भाई यहाँ लॉन्च पैड लगा के आगे की तरफ ही बढ़ता हूँ। भाई ऊपर आ गया था लेकिन आगे भाई व्हीकल ही व्हीकल, बंदे ही बंदे और जोन भी यार श्रिंक होने लग भी जाता है, बट थोड़ा सा भाई यहाँ बन गया था तो ये बढ़िया। आगे 2-3 व्हीकल भाई ठुके पड़े थे तो मैं भाई डैमेज कर रहा था और देखो जीप वाले की तो भाई व्हीकल ही फोड़ दी, जोन श्रिंक होने वाला था और डिसीजन तो भाई लेना ही है, तो भाई यहाँ आ गया था व्हीकल में बैठने के लिए, भाई उनके आगे ना ऐसे वॉल लगा दो बट ये व्हीकल यार फूट ही गया बताओ। यहाँ पे मेरे पास भाई ट्रोगन थी और ये बंदा आ ही रहा था, देखो यहाँ इसको भाई
डैमेज तो दिया है, बट जो यार श्रिंक होने लग गया था, तो यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के भाई आगे की तरफ ही आ जाता हूँ। लेकिन यार आगे कहाँ आ गया हूँ मैं, और नीचे जा ही रहा था, किसने ठोक दिया भाई। और यहाँ पे भाई उम्मीद कर रहा था कोई तो बंदा बिठा ले, यहाँ पे मुझे ट्रक रुका हुआ था तो इसके अंदर भाई बैठ जाते हैं और चलो बच गए। और अब भाई आप खुद ही देखो आखिरी का जोन है, अभी भी भाई 18 बंदे बचे हुए हैं। आगे थोड़ा बड़ी रहते यहाँ पे किसी बंदे का व्हीकल फूट गया, दो दो बंदे निकलते हैं और देखो भाई बंदे ही बंदे आस पास पैक हो रखे हर जगह। सबसे बेकार बात भाई कोई बंदा हमारा व्हीकल भी फोड़ देता है और इतने बंदे निकलते हैं, मैं भी भाई निकलता हूँ और समझ ही नहीं आ रहा था भाई कहाँ जाऊँ। फैंसी के पीछे बंदा था, इसके ऊपर चढ़ गया था और ट्रोगोन थी भाई, डैमेज तो दिया था बट देखो पैक ही कर लिया भाई। और देखो यहाँ इसको भाई डैमेज दे जा रहा हूँ, बट भाई 3 ही गोलियां रह गई इस गन में मेरी। मैं भाई पीछे ही आ गया था और यही होल्ड कर रहा था क्योंकि भाई एमओ है नहीं, शॉर्ट रेंज में फाइट ले सकता नहीं हूँ। और अभी भी 15 बंदे बचे हैं और जोन भाई बिल्कुल ही श्रिंक होने वाला है। अब आगे जाने का तो भाई कहीं ना कहीं फायदा है नहीं, तो यहीं से भाई मेडी लगानी जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और मेरे पास भाई 13 मेडिकेट है, तो देखते हैं भाई कहाँ तक हम जो है पोजीशन भाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे भाई आप थोड़ा सा स्पीड में देखो, एक एक करके भाई मैं मेडी लगानी स्टार्ट कर देता हूँ और बंदे भी भाई कम होना स्टार्ट हो गए थे। किसी ने भाई स्किल भी ब्लॉक कर दी थी बट बच गए थे। और मेडी भाई मैं लगाए जा रहा हूँ, बंदे भाई कम हो जा रहे थे और देखो टॉप 5 में आ चुका था भाई मैं। 13 मेडिकेट रह गई थी, अब केवल रह गई भाई 4-5 और भाई मेडी की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई एक दो मेडिकेट मार के आगे क्रेट दी तो उसके पास जाता हूँ और आगे एक और बंदा था, तो यहाँ पे भाई वो लगाने के चक्कर में नहीं यार, और मुझे पता चलता है जो आगे वाला बंदा था वो भी भाई नोक हो गया था और वो मर जाता है। और मैं टॉप 2 में आ गया था, आखिरी वाला बंदा देख रहा नहीं, शिट भाई सिर्फ एक पोजीशन से रह गया यार, काश वो मेडी लग जाती भाई बुआ भी हो ही सकता था। बट फिर भी भाई मजा आया और इस मैच से भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी भाई अपना निकल ही जाता है। पर हम नेक्स्ट मैच देख लो भाई अपना कौन सी टाइमिंग का है। ये मैच तो भाई कुछ अलग ही लेवल था, पीक की साइड भाई जोन बना था और अभी भी भाई 23 बंदे बचे हुए हाईएस्ट भाई, और ऑलमोस्ट सबके सब बंदे भाई किसी ना किसी व्हीकल में ही है। मेरा भाई हमेशा की तरह व्हीकल हो रखा था बेकार, तो ध्यान से भाई चला रहा था, अगर फूट गया ना भाई बीच में तो हवा की सैर करता पाऊंगा। भाई मेरे व्हीकल की ना हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी और आगे भाई टावर था, तो सोचा यहाँ पे भाई लॉन्च पैड लगा के उसकी साइड जा पाऊंगा, बट इतने में यार एक बंदा रश ही कर देता है। मैंने जो व्हीकल छोड़ा था वो भी भाई कोई बंदा लेके चला जाता है और यहाँ पे भी बंदा आ गया। अरे भाई तो मेरी हेल्थ भाई इतनी कम, फटाफट से यहाँ पे पैक कर लेता हूँ और मेडी लगाता हूँ और भाई ये बस लॉन्चर न फेंके और फिर से भाई वो लगानी पड़ती है। भाई उन बंदों को शायद किसी व्हीकल ने ठोक दिया है, तो यहाँ पे फटाफट से हेल्थ पूरी करते। देखो भाई ये मुझे ट्रक आ गया था, फटाफट से इसकी तरफ बढ़ता हूँ। अरे कहाँ पीछे भागे जा रहा है, ये ले और चारों बंदे बैठे हुए भाई इसके अंदर, तो कहाँ जाऊँ मैं। और आगे भाई दो दो मोर्चे ट्रक और आगे थे, तो किसी में चलो भाई बैठ गए और अब भाई सेफ है। बाप रे भाई क्या हो गया था ये अचानक से, और 3 से 4 तो भाई मोर्चे ट्रक ही है, तो पता नहीं एंड में तो क्या ही होगा। लास्ट का जोन बचा है, 22 बंदे बाकी है और श्रिंक हो रहा है भाई, बंदे कैसे मरेंगे। आगे एक बंदा भाई खुले में था तो ये मोर्चे ट्रक इसकी तरफ जा ही रहा था, बट भाई क्या बचा बिल्कुल एंड में जाके। यहाँ पे दिक्कत ये थी इस वाले मैच में ना, मैं ज्यादा भी सुपर मेडी भाई कलेक्ट कर नहीं पाया था, तो यार मैं सोच रहा किस बंदे की लूटू, लेकिन लूटू तो भाई तब जब कोई मरेगा, मर भी जाएगा तो लूटूंगा कैसे, इतने व्हीकल है कोई ना कोई भाई ठोक ही देगा। और यहाँ पता नहीं भाई 2 से 3 बंदे उतरे क्यों, जोन देखो बिल्कुल ही खत्म होने को आ गया। और यहाँ पे भाई एक लूट गेट थी तो मैं उतरा था, अरे लूटने तो भाई, और सुपर मेडी का भाई पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं जा ही रहा था, अरे किसने ठोक दिया भाई, अरे मेरे को बिठा लो यार मेरे को नहीं लूटना कुछ। बच जाते यार, कैसा मैच हो रहा है, बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। और देखो यार कैसे भीड़ मच रही है, क्या बोलूं भाई, गाड़ियों के बीच अलग ही दंगल चल रहे हैं। भाई जोन खत्म ही हो गया, मैं तो उतर ही गया था और यहाँ को समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं कौन से व्हीकल के बाहर हूँ अंदर हूँ। मैं भाई इस तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पे लूट गेट भी थी और पता नहीं यार कहाँ हवा में मर रखी है। जोन भाई अब काटने लग गया था, तो फटाफट से भाई यहाँ पे मेडी मानी में स्टार्ट कर देता हूँ। मैच में तो कुछ भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 18 बंदे बाकी थे, 17 हो गए। लेकिन यार मेडी मेरे पास ज्यादा है नहीं, केवल 7 ही है, भुया करने के लिए 7 क्या भाई, 20 मेडी भी कभी कभार कम पड़ती है। यहाँ पे भाई लूट गेट तो है, लेकिन देखो एक बंदा यार नीचे से बाइक लेके आ गया है, डर लग रहा था ये उतर के भाई डैमेज ना कर दे, तो यहाँ वो लगाता हूँ और फिर से भाई मेडी मारनी स्टार्ट कर देता हूँ। अब एक दो ही मेडी रह गई है, तो इस लूट गेट के पास आ गया था, देखो 11 मेडी गेट थी भाई इसमें। मैं भाई खुश, अब तो कहीं ना कहीं और ऊपर जो हम पोजीशन निकाल पाएंगे, बट ये मेडी गेट भाई उठ ही नहीं रही थी यार। मैंने भाई ऑटो पिकअप ऑन कर रखा है, टॉप पे लगा रखा है मेडी का यार, वो भी 16, लेकिन यार उठ ही नहीं, और उसके चक्कर में यार भाई कैसे। और आखिरी का जोन है तो उठ के भी क्या ही फायदा, मरी जाते
जाता हूँ और बंदे देखो अभी भी भाई 10 बचे हुए हैं। खुद ही देखो भाई ऑटो पिकअप में मैं जाता हूँ, मैं टिकट का ऑन है और भाई 16 में टिकट का था यार, बट किस्मत ही ऐसी है। और ये मैच तो भाई कुछ अलग ही लेवल खतरनाक चला गया था, अच्छा नहीं गया बट ये था कि भाई लॉस भी नहीं हुआ। नेक्स्ट मैच देख लो भाई अब हमारा कौन सा वाला है। जब से भाई मैंने ना इन मैचेस पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी है कॉम्पिटिशन भाई बहुत ज्यादा हो चुका है, मजा भी आता है बट यार भैया उसको करने की भाई परसेंटेज जो है कम हो चुकी है। और यहाँ पे भाई एक बंदा उतरा था, अरे नहीं यार मैं गाड़ी में बैठने जा रहा और भाई ठुक गया था, बट चलो भाई बैठ ही गया किसी तरह और लेके निकलता हूँ भाई। पर ये लास्ट का ही जोन है भाई, अभी भी 15 बंदे बचे हुए हैं और इस तरह से जैसे घुमा के जाता हूँ देखो 2-3 बंदे भाई कैसे निकलते हैं भाई कसम से, लिटरली यहाँ पे मोनस्टर ट्रक होता ना ठोक देता भाई इन लोगों को। बट भाई मैं तो आराम से व्हीकल चला ही रहा था, ये देखो अरे ये बाइक वाले ने क्या कर दिया भाई, कहाँ फेंक दिया मेरे को, अरे वैसे ही मेरे पास सुपर मैटी कम थी और जोन से कितना भाई बाहर फेंक दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे भाई फटाफट से जोन की तरफ बढ़ता हूँ और चलो भाई था तो पास में ही तो किसी तरह भाई आ भी जाता हूँ। बाप रे भाई इतनी ऊंची उड़ान क्या ही हो गया था यार इस मोमेंट में भाई, एक लाइक बंदा यार तो कर देना। और यहाँ पे एक बंदा था जिसको भाई ठोक दिया था और यार लूटने में जाना चाह रहा था, एक बंदा भाई डैमेज ही करने लग जाता है भाई क्या करे, रिस्क बहुत है। आखिरी का जोन है वो भी श्रिंक होने लग जाता है और देखो 10 बंदे बाकी है। व्हीकल की भाई हालत मेरी किस्मत की तरह ही थी, तो मैं भाई कोने में एकदम चला रहा था कि आगे बंदे आए टावर वावर पे है भाई फोड़ रहे यार व्हीकलों को, धीरे धीरे करके भाई जोन छोटा जा रहा है और आगे से मोनस्टर ट्रक आ रहा था और नहीं यार इसने तो व्हीकल ही फोड़ दिया और बाइक वाले में बैठ गए बंदे और मैं भाई इनको डैमेज ही करने लग जाता हूँ। छोड़ो भाई बहुत हो गया, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, इनको भी लेट डूबूंगा और यार मैं जोन के बाहर ही रह गया था। तो अब यहीं से मेडी मारनी स्टार्ट कर देते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके भाई पीछे भी आ रहा था जिससे भाई एक लूट में से मेरे को मेडी मिले और आगे से गाड़ी आ रही थी, अरे नहीं भाई ये तो चली गई। फिर भी भाई मैं फोकस था अपनी मेडी लगाने में, बट यार एनिमी की लूट कहाँ से लूटूं, कोई आसपास दिखी नहीं रही और मेडी केवल देखो कितनी कम रह गई थी मेरे पास। और आगे देखो भाई गाड़ी के पास ही बंदा है और इसके इरादे भाई सही नहीं लग रहे थे तो यहाँ वो लगा लेता हूँ और भाई यहाँ मेडी मार ही रहा था ये देखना भाई और पास आ गया था और यहाँ वो लगाई थी, उसके चक्कर में हेल्थ इतनी कम यार मर ही गया। बहुत मुश्किल होता है भाई इन मैचेस में ना, मेडिकेट के साथ साथ भाई किस्मत भी चाहिए और सब बंदे भाई मर ही जा रहे थे। मैच भी यार ज्यादा अच्छा नहीं गया था, वो यार टॉप 9 पे जाके मर गया था, बट चलो भाई लॉस नहीं हुआ इसमें भी। भाई हम एंड में आ चुके थे और कोशिश तो मैं करता हूँ भाई बट यार क्या करूँ मर जाता हूँ यार, कभी कभार टॉप 3 में नहीं आ पाता। बाकी यार पता नहीं एक तो मेरे व्हीकल की हालत ना हमेशा ही खराब रहती है एंड में, ये लास्ट सेकंड जोन है और लिटरली भाई 22 बंदे अलाइव है आप देख सकते हो और व्हीकल की हालत खराब है, तो मैं तो भाई यहीं पे गोल गोल घुमा रहा था, मेरे को नहीं जाना भाई आगे। बहुत देर तक भाई यहीं पे सर्वाइव कर लिया था बट अब भाई जोन भी आने लगता है तो निकलना पड़ता है और एक बंदा देखो भाई मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं साथ ही बैठ गया, तब मैं भाई यहाँ से निकलता ही हूँ और अभी भी भाई 19 बंदे बाकी है, आखिरी का जोन भाई श्रिंक होने पे है। और भाई बड़े ध्यान से व्हीकल चला रहा था क्योंकि भाई बिल्कुल मरा पड़ा है, अगर एक और ठोकर पड़ेगी ना तो खत्म भाई ये व्हीकल मेरा। बहुत देर तक भाई सरवाइव भी कर लिया था, आखिरी का जोन भी भाई देख सकते हो श्रिंक होने लग जाता है, तो भाई क्या फनी मोमेंट होते हैं। आगे बढ़ ही रहा था एक बंदा देखो यार, अरे भाई कहां ही ठोक दिया इसको, स्क्रीन पे से कैसे भाई उछलता हुआ दिखता है और मैं तो भाई अपने व्हीकल को बस बचा रहा था ठुकने से, क्योंकि अगर भाई ठुका तो अगली बारी भाई ठुकने की बारी होगी, तो देख सकते हो भाई वैसे तो 11 बंदे ही रह गए थे यहाँ पे, तो ये बढ़िया था बट ये भी बहुत है यार क्योंकि आखिरी के तो जोन है श्रिंक होने लग जाता है और यार अब बंदे जो है फाइट करने लग जाते हैं और थोड़ा सा ही जोन रह गया तो यहाँ पे भाई सही नहीं लग रहा था और गाड़ी में ना रहना एंड में ना फायदेमंद रहता है। तो भाई थोड़ी सी देर में जोन श्रिंक होने वाला होगा तो मैं भाई अब यहाँ से निकल ही जाता हूँ और एक बार पहले भाई एनर्जाइजर लगा के मेडी मारनी भाई स्टार्ट कर देता हूँ और अब देखते हैं भाई कितनी एंड तक हम जो है आ सकेंगे। और देखो टॉप 10 में तो भाई मैं आ चुका था और यहाँ पे भाई मेडिकेट मेरे पास ना ढेरों थी, मतलब 5-6 नहीं थी पूरी 15-16 थी, तो यहाँ पे भाई बस मैं बंदों की लूट के ढूंढ रहा था। पर अभी भी भाई वैसे तो जोन श्रिंक नहीं हुआ है और 3 से 5-6 मेडिकेट आई थिंक मेरी भाई वेस्ट हो चुकी है, ठीक है भाई वहाँ की भसड़ से तो बढ़िया ही है। और आगे देखो एक बंदे की भाई मेरे को लूट गेट दिखती है तो मैं इसके पास आ चुका था और भाई उतरना भी ना एकदम ध्यान से पड़ता है, अब देखो अगर एकदम से मैं उतर जाऊंगा ना तो भाई एकदम से हेल्थ कम होगी तो भाई मर भी जाऊंगा, तो यहाँ पे भाई मेडिया मारे जा रहा था और एकदम भाई सही समय
में भी क्लोज में आके ये वाली भाई लास्ट मेडी लगा के मैं जो है भाई उतर ही जाता हूँ। और देखो इसके पास से भाई ज्यादा तो नहीं, बट यार चलो चार मेडिकेट मिल जाती है तो बढ़िया ही है। फटाफट से भाई मेडी मारते रहते हैं। और भाई यहाँ पे देखो टॉप फाइव में मैं वैसे भाई आ चुका था और सारी मेडी उठ चुकी है। तो दोबारा भाई यहाँ एक मेडी मार के मैं भाई अपने व्हीकल की तरफ ही बढ़ता हूँ और देख सकते हो भाई टॉप थ्री में आ चुका था। मेरे अलावा यार केवल दो ही बंदे रह गए। और देखो भाई इस व्हीकल के पास भी एक बंदे की लूट गेट है, तो भाई फिर से चलेंगे। और अभी भी भाई 6-7 मेडिकेट है, तो डर किस बात का, फिर से भाई इसके क्लोज में आ गया था। दोबारा सही टाइम पे उतरता हूँ और देखो इसके पास भाई 7 मेडिकेट थी। यार यहाँ पे अभी देखना भाई मेरे साथ क्या होगा। अब यहाँ पे मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं भाई भैया हो ही जाएगा, क्योंकि 7 मेडिकेट ये 3-4 मेरे पास ऑलरेडी है। और एक बंदा देखो भाई आ गई है और थोड़ा सा यहाँ देखो भाई मेडी मार ही जा रहा था। कुछ देर के बाद देखो एक और बंदा भाई एलिमिनेट हो गया था और केवल आखिरी रह गया था, बट वो मेरी तरफ आ ही रहा था। और बचने के चक्कर में देखो भाई मेडी लगाने के बीच गैप आ गया था और हेल्थ कम। और शिट भाई ये मैच भाई बुया ही हो जाता अगर ये मेरे क्लोज में नहीं आता। बट यार कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला इस मैच से और मजा भी आया और टॉप 2 पे भी आए, प्रॉफिट भी भाई निकाला। आज की इस वीडियो में भाई इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भाई #survivalopi बोलते लगा देना। बाकी पता नहीं यार 2 बैक टू बैक बुया मेरे लिए पॉसिबल करना यार कब होगा। कुछ भी कहो यार इन मैचेस में मजा बड़ा आता है। पूरी वीडियो का सबसे फनी मोमेंट आपको कौन सा लगा कमेंट में भाई बताना। बाकी भाई वीडियो में मेहनत लगी है तो भाई अगर जा रहे हो तो भाई लाइक करते हुए जाना, 3K लाइक्स का टारगेट है। और अपने फ्रेंड के साथ भी भाई शेयर कर देना। चलो भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय।